दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी छात्रों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं पार्ट वन का सेकेंड मेरिट लिस्ट कब होगा जारी। आइए इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाले हैं। तो दोस्तों, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा पार्ट वन का सेकेंड जो मेरिट लिस्ट है वो एक सप्ताह के अंदर जारी किया जाएगा, यानी इसी माह के अंतिम सप्ताह तक जारी कर दिया जाएगा। साथ में दोस्तों, मैं आपको बता दूं, प्रथम मेगा सूची के अनुसार यानी प्रथम मेरिट लिस्ट के अनुसार जो नामांकन की तिथि थी वो 12 सितंबर तक नामांकन समाप्त हो गया है। अब सेकेंड मेरिट लिस्ट के लिए छात्र इंतजार करें तो सेकेंड मेरिट लिस्ट इसी माह के अंतिम सप्ताह तक जारी किया जाएगा। और मैं आपको बता दूँ तो पार्ट वन में नामांकन के लिए टोटल जो सीट था वो 3,09,024 सीट था, जिसमें से छात्रों ने जो आवेदन किया है वो 2,02,276 स्टूडेंट ने ही ऑनलाइन आवेदन किया। अब प्रथम मेरिट लिस्ट के अनुसार 1,39,594 स्टूडेंट का प्रथम मेरिट लिस्ट के अनुसार नामांकन ले लिया गया है। अब बाकी बचे सीट पर सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। सेकेंड मेरिट लिस्ट 91,129 स्टूडेंट का लिस्ट रहेगा, जिसमें से सेकेंड मेरिट लिस्ट और थर्ड मेरिट लिस्ट इसी में छाँट कर दिया जाएगा। तो वैसे समझ लीजिए, अभी भी यूनिवर्सिटी के पास 1,11,147 सीट खाली है। तो जो भी छात्र नामांकन किए होंगे उन सभी छात्रों का एडमिशन हो जाएगा इस बार, घबराने की बात नहीं है। अब आइए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि आप लोग अपना सेकेंड मेरिट लिस्ट कैसे डाउनलोड करेंगे। चलिए, मैं आपको गूगल पे आना है और सर्च करना है कावेरी सपाटा। प्रथम नंबर पर जो आपके सामने वेबसाइट आएगा इसको कर लेना है ओपन। देखिए, नीचे की ओर स्क्रॉल कीजिएगा, ये आपके सामने वेबसाइट आ जाएगा, इसको आपको कर लेना है ओपन। जब आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाता है तो आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है और ये प्रथम नंबर जो पोस्ट दिख रहे हैं एलएनएमयू सेकेंड मेरिट लिस्ट डाउनलोड 2022, इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप लोग क्लिक करिएगा तो यहाँ पर देख लीजिए, आप लोग का जो सेकेंड मेरिट लिस्ट है इसी माह के अंतिम सप्ताह में जारी किया जाएगा, ये इन्फॉर्मेशन दिया गया है। साथ में प्रथम मेरिट लिस्ट के अनुसार जो नामांकन की प्रक्रिया थी वो समाप्त हो चुकी है। अब बता दें तो टोटल जो सीट है वो 91,000 सीटों पे सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। अब देखने वाली बात है कि कितने स्टूडेंट का सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम आता है। अब आपको जो डाउनलोड का लिंक है यहाँ पर एक्टिवेट किया गया है। वैसे अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करके रहते हैं तो आपको इंस्टेंट अपडेट मिल जाएगी। वैसे यहाँ पे यूजी सेकेंड मेरिट लिस्ट डाउनलोड 2022, इस पर क्लिक करके आप हमेशा चेक कर सकते हैं। अगर हो सकता है तो आपका यहाँ पे अपडेट हो पाया होगा तो आप लोग यहाँ से सिलेक्शन लेटर डाउनलोड कर पाएंगे। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, जब आप लोग अपना सिलेक्शन लेटर देख लेते हैं तो आपको नामांकन के समय ना कुछ डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। साथ में आप लोग जानते हैं कि आप लोग का रजिस्ट्रेशन साथ में एग्जामिनेशन फॉर्म दोनों साथ साथ भरा जाता है, तो रजिस्ट्रेशन फ़ी क्या लगेगा और एग्जामिनेशन फॉर्म फ़ी क्या लगेगा, आइए इस वीडियो के माध्यम से वो भी बताने वाले हैं। तो सबसे पहले नंबर, आपको डॉक्यूमेंट क्या सब लगेगा, तो एडमिशन सिलेक्शन लेटर, कॉमन अप्लीकेशन फॉर्म, महाविद्यालय का प्रेताग या मूल प्रमाण पत्र, प्रवेश पत्र की छायापत्री जो कि 12th का लगेगा, 12th का अंक प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, इसके बाद जाति आय प्रमाण पत्र जहां लागू हो, आधार कार्ड का फ़ोटो और प्रोविजनल उन छात्रों को लगता है जो CBSE के स्टूडेंट होंगे। अब आपको बता दें तो आप लोग का जो रजिस्ट्रेशन फ़ी लगेगा वो अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो 150 रुपये, अगर आप CBSE बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो 250 से ऊपर आपका फ़ी लगने वाला है। और एग्जामिनेशन फॉर्म की बात करें तो यहाँ पे लगभग 1,000 रुपये के आसपास आप लोग का एग्जामिनेशन फॉर्म फ़ी भी लगेगा। तो यानी कुल मिलाकर पार्ट वन में सेकेंड मेरिट लिस्ट के अनुसार अगर आप नामांकन लेते हैं तो लगभग आपको 2,500 रुपये तक खर्च आएगा। जो भी इन्फॉर्मेशन होगा मैं आपको जल्द ही अपडेट कर दूँगा।